सुरीली हमारे फार्म की सबसे यंगेस्ट बच्ची है और उसने 2 हफ्ते पहले ही पीपल फार्म फैमिली ज्वाइन की है। पर इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ एक बहुत दुखद हादसा हुआ जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि उसकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। हेलो, हाय सुरीली, क्या चल रहा है? मैं जब सुबह उठता हूँ ये मेरे साथ ही उठती है और मेरे को इतना परेशान करती है सुबह उठ के, मैं बता नहीं सकता। और दूध के लिए इतनी उतावली हो जाती है। फिर मैं जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो ये काफ़ी परेशान उस समय भी करती है मेरे को और खाने पे लपकती है। तब सुरीली और कमल भाई जा रहे हैं फार्म की तरफ। यहाँ से फार्म तक का रास्ता थोड़ा लंबा है, तो आइए तब तक मैं आपको सुरीली की कहानी बता देती हूँ। सुरीली की माँ को हम रेत से रेस्क्यू करके लाए थे और उसका नाम हमने कर्मा रखा था। कर्मा की टांग पे घाव हो गया था जो कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गया, लेकिन कर्मा प्रेग्नेंट भी थी जिसका पता हमें उसे फार्म पे लाने के बाद चला। जाहिर सी बात है कि कर्मा को इस हालत में हम रिलीज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे अपने पास ही रखने का फैसला किया। 9 महीने से ऊपर होते जा रहे थे लेकिन कर्मा अभी भी बछड़ा डिलीवर नहीं कर पा रही थी। वो बहुत दर्द में तो थी ही, साथ ही उसकी तबीयत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। हमारी टीम ने उसकी प्रेगनेंसी इंड्यूस करने का फैसला लिया और कर्मा ने फाइनली बेबी डिलीवर किया। उस रात कर्मा इसके साथ चिपक के सो गई, पर वो रात सुरीली की अपनी माँ के साथ आखिरी रात थी। दूसरे दिन कर्मा की डेथ हो गई। इस बिन माँ की बचिया के लिए हम बहुत परेशान थे क्योंकि मॉनसून आ गए थे और उसका फार्म पे रहना सही नहीं था। तो हम फार्म आ गए हैं। तो फार्म पे आते ही सुरीली सबसे पहले भागती है चूल्हे की तरफ, क्योंकि एक तो उसको वहाँ पे खाने की खुशबू आ रही होती है और दूसरा सबका प्यार मिलता है। मैंने कमल को बोला, मैंने कहा इसको 2 दिन से लाया नहीं है तो इससे रेनकोट खरीद लेते हैं। वो जो ऊपर वो बाइसाइकिल के ऊपर नहीं लगाते रेनकोट। सुरीली जी चूल्हे में मुंह डाल देती है और चावलों में भी और बहुत शराबी है ये। तुमने मेरी चुन्नी खाई लेनी है? देखो भैया चुन्नी कैसे खा रही है मेरी। अब आपने ये तो देख ही लिया होगा कि सुरीली चूल्हे के पास कितने मजे करती है, मगर ये क्लिनिक में क्यों नहीं रहती आइए जानते हैं। सुरीली को यहाँ पे रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि उसके जन्म के एक दिन बाद ही उसकी माँ की डेथ हो गई। जो कोलेस्ट्रॉल से इनकी इम्यूनिटी बनती है वो उनको माँ के शुरुआती दिनों के दूध से ही मिलता है जो उसे मिला नहीं। अब ये क्लिनिक है और यहाँ पे हर तरीके के इंजर्ड और इन्फेक्टेड एनिमल्स यहाँ होते हैं, तो उनके बीच में सुरीली को रखना उसकी जान के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। अब इस समय में कमल जो हमारे स्टाफ में है वो फॉस्टरिंग के लिए आगे आए और उन्होंने पूछा हमसे कि वो क्या सुरीली को अपने घर लेकर जा सकते हैं। तब हमने डिसाइड किया कि हम सुरीली को कमल के घर शिफ्ट करेंगे और जब तक वो थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती तब तक वो कमल के साथ उसके घर पर ही रहेगी। यूँ तो लोग बछड़ों के लिए बहुत प्यार दिखाते हैं, कहते हैं ओ कितना प्यारा है, इसे हम बच्चे की तरह रखेंगे, इसे हम बहुत प्यार करेंगे। लेकिन जब गाय पहली बार दूध देती है जिसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है और जो बछड़े के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट खुराक होती है, उसे तो खरवस बना के यानी कि मिठाई बना के खा लिया जाता है। तो आप ही बताइए कि एक नवजात बच्चे के हक का दूध पीना या चुराना कहाँ तक सही है? और जब हम डेयरी की कंजम्पशन के खिलाफ कोई बात करते हैं तो पता है हमसे क्या पूछा जाता है? कमेंट्स में एक सवाल हमें अक्सर आता है कि भाई अगर हम दूध का बहिष्कार करेंगे तो कोई गाय को पालेगा ही क्यों? सवाल वाजिब भी है, पर एक बात बताइए, भारतवर्ष में इतने लोग हैं जो कुत्ते पालते हैं, उसमें से सिर्फ चंद लोग हैं ना जो मुनाफे के लिए ब्रीडिंग के लिए कुत्ते पालते हैं, बाकी लोग तो कुत्ते प्यार के लिए पालते हैं। तो अगर हम कुत्ते प्यार के लिए पाल सकते हैं तो गाय पालने के लिए व्यापार जरूरी क्यों? तो अब लंच टाइम हो गया और सुरीली का भी टाइम हो गया कि वो अपने घर जाएगी फार्म से। कमल भाई भी आ गए, वो इस पे लेके जा रहे हैं और लंच के तुरंत बाद गांव के सारे बच्चे आ जाते हैं कमल भाई के घर पे सुरीली के साथ खेलने के लिए। भाई
हर डॉग की तरह सुरीली भी वॉक्स पे जाती है। कि जब भी मैं किसी दुकान पे या कुछ सामान खरीद रहा होता हूँ तो ये एक अच्छे बच्चे की तरह बाहर मेरा वेट कर रही होती है। सुरी, चलो वापस चलते हैं। ये अब अपना आखिरी रात का दूध पी रही है और इसके बाद ये सो जाएगी। गुड नाइट।